चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपन जो पढ़ रहे थे वो अपना था राउल्ट का नियम। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम जो है उसके अपने दो पार्ट किए थे। एक पार्ट तो वो था कि जो वाष्पशील विलय यदि विलायक में घुला हुआ है उसके लिए, और दूसरा जो आपका है कि अवाष्पशील विलय यदि विलायक में घुला हुआ है तो उस को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो एक बिंदु अपने पढ़ लिया था, और दूसरा जो आज टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वह है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का लो हम लागू कर रहे हैं वो किसके लिए लागू कर रहे हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए। तो हेडिंग डाल दो अवाष्पशील विलेयुक्त विलेनों के लिए। तो चलिए, जो वास्तव जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो विलायक है उस विलायक में आपने क्या डाला है। यदि NaCl डाल दिया या इसमें शक्कर डाल दी तो इनके डालने से इसकी विलेयता के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पहले मैंने आपको समझाया था। और उसी को यहाँ पर अपन किसके द्वारा प्रूव करने वाले हैं कि जो राउल्ट रूल है उस राउल्ट नियम के अनुसार इसको स्पष्ट करने वाले हैं, इसको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या होगा कि अवाष्पशील विलेयुक्त विलेयन में आपने मिला दिया, तो मिलाने से जो विलायक के जो मोल प्रभाज है उसके समानुपाती होगा वाष्प दाब। क्या कहा कि कोई भी आपने विलयन लिया, ठीक है, उस विलयन में जो उसका वाष्प दाब है वो वाष्प दाब किसके समानुपाती, उसके विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखो पहले डायग्राम से समझो फिर आगे बताता हूं कि ये आपका क्या है, एक इसमें आपने विलायक ले रखा है, सॉल्वेंट इसमें आपने ले रखा है, और जो सोल्यूट जो है ये आपका विलेय है। क्या है विलेय? NaCl, जो किस प्रकार का है, इसकी प्रकृति क्या है, अवाष्पशील प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? अवाष्पशील प्रकृति है। तो इसको इसके अंदर मिलाएंगे तो मिलाने पर इसका जो वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब है वो वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, जो आपने विलायक लिया विलायक के जो मोल प्रभाज हैं उन विलायकों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या आ गया कि किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलेन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो चलो नोट करो, लिखो किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलेन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये चीज आपकी कि किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलेन का इसमें आपने क्या डाल दिया, अवाष्पशील विलेयुक्त विलेय इसमें डाल दिया। अब यहां पर ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ये विलेन हो गया ना, ये विलेन हो गया। तो इस विलेन का जो वाष्प दाब है वह किसके बराबर होगा या किसके समानुपाती होगा, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहां पर जो विलेन का वाष्प दाब है उसको यदि मैं PS के द्वारा नोट करूं, और जो विलायक है, विलायक का जो वाष्प दाब है
वो आपका किस रूप में आएगा, पी ए के रूप में आएगा। और इसके जो मोल प्रभाज है, मोल जो फंक्शन है, उसको किस रूप में लिख दूं, एक्स ए के रूप में। अपने दो घटक किए थे ना, एक एक्स ए का और दूसरा एक्स बी का। एक्स ए किसका है, विलायक का है, एक्स बी किसका है, विलेय का है। तो इसके अनुसार यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि पी एस, पी एस समानुपाती किसके, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज क्या है, एक्स ए। तो समानुपाती एक्स ए, एक्स ए यहां पर क्या आपका सोलवेंट है, क्या है सोलवेंट, सोलवेंट, ठीक है। तो यहां पर पी एस समानुपाती को यहां से हटाऊंगा तो यहां पर क्या लिखूं, बराबर समानुपाती स्थिरांक। यहां पर जो समानुपाती स्थिरांक है, यहां पर मैं ले लेता हूं पी नोट, ले लेता हूं पी नोट एक्स ए, पी नोट एक्स ए। यहां पर पी नोट, ये जो वाष्प दाब है, ये किसका वाष्प दाब है, ये जो शुद्ध विलायक आपने लिया था, ये आपने शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक कौन सा है, जब मान लेते हैं इसमें आपने जल की मात्रा ली, तो शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वह कौन सा दाब आपका पी नोट है। शुद्ध जल का वाष्प दाब कौन सा है, पी नोट इसका वाष्प दाब है। तो यहां पर देखो सबसे पहले शब्द कौन सा है आपका, पी एस है, तो पी एस किसका वाष्प दाब है, विलेन का वाष्प दाब है। पी एस को क्या कहेंगे, विलेन का वाष्प दाब। दूसरा आपका पी नोट, तो पी नोट किसके मान के बराबर है, पी नोट शुद्ध शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसी प्रकार से दूसरा क्या आपका एक्स ए लिखा है, तो एक्स ए क्या है, जो विलायक है, विलायक के मोल प्रभाज। एक्स ए बराबर क्या है, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज। तो ये चीज समझ में आ गई क्या है, यहां पर दोबारा देख लो एक बार, कोई भी आपका क्या था, एक विलयन है जिसमें मैं मान ले तो मैंने क्या ले लिया, जल ले लिया, जल एक क्या है, विलायक है, जल यहां पर क्या है, विलायक है, जो शुद्ध मात्रा में है, शुद्ध है, तो इसका वाष्प दाब क्या है, पी नोट है। उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया, वो क्या है, NaCl, NaCl। तो अब ये जो विलयन बन गया, ये जो विलयन बन गया पीएस, तो पीएस का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, जो विलायक लिया इस विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये चीज हो गई। अब इसी चीज को यदि मैं ग्राफ के द्वारा डिनोट करूं, ग्राफ के द्वारा समझाऊं, कैसे समझाऊंगा, देखो इसी को ग्राफ के ऊपर लें तो क्या ले सकते हैं, देखिए ये इधर आपका वाष्प दाब, क्या ले रहे इधर, वाष्प दाब, जो विलयन है उसका वाष्प दाब। यहां पर मैं लेऊंगा मोल प्रभाज किसके, एक्स ए के, एक्स ए यानी विलायक के मोल प्रभाज। तो मान लिया कि यहां पर ये मान जीरो है और यहां पर मान ये कितना है, वन है। तो जब इसके जो मोल प्रभाज शून्य थे, सोलवेंट जो था उसके मोल प्रभाज शून्य थे, तो उसका वाष्प दाब भी क्या है, शून्य है। लेकिन जैसे जैसे मोल प्रभाज का मान बढ़ेगा, तो इसके बढ़ने से किसका मान बढ़ता जाएगा, वाष्प दाब है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। ये वाष्प दाब किसका आएगा, पी नोट का आएगा, किसका आएगा, पी नोट का आएगा, पी नोट का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसमें आपने क्या मिला रखा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रखा है। तो अवाष्पशील का तो क्या होगा, वाष्पन होगा नहीं, तो किसका होगा, जो शुद्ध जल उसमें लिया या शुद्ध जो विलायक आपने लिया उसका वाष्प दाब ये होगा। और यही बात क्या कौन कहना चाह रहा है, आपका राउल्ट का नियम कहना चाहता है कि किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का
वासुदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये आपने इधर क्या लिया, वासुदाब लिया है। ये वासुदाब किसका है, ये पीएस का है, किसका है, पीएस का है। तो इस पीएस का वासुदाब किसके समानुपाती हो रहा है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। प्रारंभ में जब इसके मोल प्रभाज शून्य थे, वासुदाब भी कितना था, शून्य था। जैसे जैसे किसका मान बढ़ता गया, मोल प्रभाज का मान बढ़ता गया, तो उस समय जब इसकी सांद्रता कितनी हो गई, मात्रा इसकी कितनी हो गई, एक हो गई, तो उसका प्रेशर कितना है, पी नोट है। तो पी नोट यहां पर आपको किसके रूप में बताना है, पी नोट शुद्ध विलायक का वासुदाब होता है। तो यह है आपका अवाष्पशील विलयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। यही जो आपके फार्मूले हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। वो देखो इस प्रकार से, देखिए आपने यहां पर क्या कहा, पी एस बराबर, ये है पी एस बराबर पी नोट एक्स ए। तो पी नोट एक्स ए है या पी एस है, पी एस के मान को मैं यहां पर इस प्रकार से लिखूं, तो पी एस बराबर पी नोट वन माइनस क्या कर दूं, एक्स बी। एक्स बी यहां पर क्या है, एक्स बी यहां पर आपका है विलेय के मोल प्रभाज। एक्स बी किसका मान है, विलेय के मोल प्रभाज है, सोल्यूट है, सोल्यूट के मोल प्रभाज। तो पी एस बराबर पी नोट वन माइनस एक्स बी। अब वन माइनस एक्स बी क्यों लिखा, वो देखो कि जो भी आपका कोई एक पूरा विलयन लोगे तो उस विलयन में कुल जो मोल प्रभाज है, कुल जो मोल प्रभाज है वो आपको कितना बताया हुआ है, उसका मान कितना होता है, वन होता है। जैसे आपका एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए किसके, विलायक का मोल प्रभाज है, एक्स बी किसका है, विलेय का मोल प्रभाज है। दोनों का जो टोटल मान है वो कितना आता है, एक आता है। दोनों का टोटल मान कितना आता है, एक आता है। तो उसमें यदि मैं किसका मान निकालना चाहूं, एक्स ए का मान निकालूं, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स बी आ जाएगा, वन माइनस एक्स बी। यानी ये अपना जो फार्मूला है इसी को यहां पर आगे मॉडिफाई करते हैं, इसी को। तो एक्स ए है तो एक्स ए का मान वहां से मैंने क्या निकाल दिया, वन माइनस एक्स बी का मान निकाल दिया। समझ में आ रहा है। अब देखो पी एस बराबर ये क्या हो गया, पी एस बराबर इसको क्या लिख देंगे, पी नोट माइनस पी नोट एक्स बी, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, पी नोट माइनस पी नोट एक्स बी, पी नोट एक्स बी, ठीक है। यानी इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो पी एस बराबर पी नोट माइनस पी नोट एक्स बी के मान के बराबर आ गया, एक्स बी रहेगा। तो यहां पर डेल्टा पी एस बराबर किसके, पी नोट एक्स बी के। यहां पर ये जो मान आ रहा है ये मान किसको बताएगा, वो वाष्पदाब अवनमन, डेल्टा पी एस ये किसको बता रहा है, वाष्प दाब अवनमन। अब अवनमन का मतलब है कमी होना, अवनमन का मतलब है कमी होना, कि वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है, वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है, वो कौन बताएगा, वाष्प दाब अवनमन बताएगा। यानी ये आपका किस रूप में, ऋणात्मक रूप में आ रहा है ना, ऋणात्मक का मतलब क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये किस रूप में आ रहा है, देखो ऋणात्मक रूप में आ रहा है मतलब उसके वाष्प दाब में यहां पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, वाष्प दाब उसका कम हो रहा है। तो इस रूप में इसको जाना जाता है, या इसी को क्या लिखें, डेल्टा पी एस अपॉन डेल्टा पी नोट बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी। अब ये जो आपका फॉर्मूला आया कि डेल्टा पी एस और डेल्टा पी नोट, डेल्टा पी एस और डेल्टा पी नोट है, वो आपको बताएगा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। क्या कहेगा इसको, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अवनमन का मतलब
कि उसकी जो तुलना में शुद्ध जो आपने क्या लिया विलायक और जो टोटल जो वाष्प दाब है उसका यदि हम तुलना करें, अपेक्षित का मतलब यहां तुलना से है, दोनों की तुलना करें तो मान किसके बराबर होगा, एक्स बी के बराबर होगा। यानी विलायक विलेय के जो मोल प्रभाज हैं उसके मान के वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां तक याद रखनी है। अब ये जो राउल्ट का नियम जो अवाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए प्रयुक्त किया गया है तो उसके निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए, तो इसके मुख्य रूप से तीन जो निष्कर्ष हैं वो निकलकर बाहर आते हैं, उसको यहां पर नोट करते हैं। ये जो चीज पढ़ी है उसका निष्कर्ष क्या है, कैलकुलेट पूरा की क्या है, पूरे का जो एक सार क्या निकलता है उसको मैं नोट कर रहा हूं, मिटा दूं इसको। चलो नोट करना आप निष्कर्ष, राउल्ट नियम के ये जो अपने पढ़ाया उसके निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष तो क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा से कह देंगे। परिभाषा में क्या कहा था कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पहला बात, पहली बात तो ये हो जाएगी, क्या कहेंगे, एक नंबर लगा के लिख दो कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, वो अपने ग्राफ के द्वारा देख लिया अभी, क्या ग्राफ, ये ग्राफ था ना 0 और 1, ये एक्स ए था, ये प्रेशर इधर आपका पी एस का और प्रेशर किसका है, पी नोट का। तो पहली बात यहां से स्पष्ट हो रही है कि विलेन का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा, जो विलायक के जो मोल प्रभाज हैं उसका वाष्प दाब बराबर होगा। दूसरा, वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। दूसरा निष्कर्ष, वाष्प दाब का अवनमन अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि जितनी ज्यादा मात्रा में आप उसमें क्या डालोगे, अवाष्पशील पदार्थ डालोगे तो उसका वाष्प अवनमन क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा उसमें, कि जो जिसका जो वाष्पन की दर है उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि उसमें आपने ज्यादा मात्रा में वो डाला है अवाष्पशील विलेय तो वाष्प दाब की मात्रा क्या होती जाएगी, उसकी और कम इसमें हो जाएगी। तीसरा, तीसरा निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहां पर कौन सा शब्द काम में लेंगे, समानुपाती शब्द काम में लेकर क्या लेंगे, बराबर होता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर होगा। ये कहां से लिखा आपने, इस फार्मूले से। ठीक है, चलो ये तीन निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं किसके, राउल्ट नियम का अवाष्पशील विलेयुक्त पदार्थ मिलाने पर। चलो तीनों नोट कर लो। अब अगला जो टॉपिक अपन को पढ़ना है वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। कौन सा है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, आदर्श व अनादर्श विलयन।
आदर्श विलयन कौन सा होता है और अनादर्श विलयन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए तो इसी को समझते हैं कि आदर्श विलयन कौन सा होगा, अनादर्श विलयन कौन सा होगा। ये आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। देखो पहला पॉइंट कि आदर्श विलयन कौन सा होगा, कि जो विलयन यदि राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उस समय जो विलयन होगा वह कौन सा कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। मतलब कि ऐसा विलयन जो किसी भी सांद्रताओं पर या सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो पहला आप क्या लिखेंगे कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है कौन सा विलयन कहलाएगा, कौन सा विलयन कहलाएगा, वो आदर्श विलयन कहलाएगा। मतलब मतलब क्या कहा था अपने कि P1 बराबर P1 नोट X1, पीछे वाला जो वीडियो था उसमें याद करो क्या कहा था, इसी प्रकार से कहा था कि P2 बराबर P0 2 X2 और P टोटल बराबर क्या आएगा, P1 प्लस P2। ठीक है, जो इसकी अनुपालना करता है विलयन वह तो कौन सा कहलाता है आपका, आदर्श विलयन कहलाता है। और दूसरा अनादर्श कौन सा होगा, जो इसका पालन नहीं करेगा। मतलब कि जब विलयन, जब विलयन विलयन की सभी सांद्रताओं पर, सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है, नहीं होता है कौन सा विलयन कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। कि जब विलयन की सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है तो वह कौन सा विलयन कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। मतलब मतलब क्या है कि P1 not equal to P0 X1, P2 not equal to P2 not X2, P total not equal to P1 plus P2। ये कंडीशन यहां पर तो क्या होता है, इस नियम का पालन हो रहा है, सांद्रताओं की समानुपाती होता है कि विलय और विलय की जो मोल प्रवाह हैं उनकी सांद्रताओं के वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और यहां पर इसका अनुपालना नहीं हो रही है। अब देखो यहां पर दो कंडीशन बन जाती हैं, जब ये इसके बराबर नहीं है तो ये किस रूप में हो सकता है, ये आपका दो रूप में हो सकता है। पहला रूप क्या हो सकता है कि पहला रूप यदि ये बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन हो सकती है कि P1 not X1, P2 बड़ा है मान किससे, P2 not X2 से, या P total बड़ा है मान किससे, P1 plus P2 से। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी इसके क्या रूप हो सकता है, दूसरी इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है P1 not P1 X1, इसी प्रकार से P2, P total P1 plus P2।
ये वाली कंडीशन, या तो ये वाली स्थिति होगी या फिर ये वाली स्थिति होगी। जब आपका P1 P2 टोटल P का मान P1 और P2 के मान से अधिक है, तो उस समय राउल्ट का नियम का जो विचलन होगा, यानी वो उसकी क्या होगा, राउल्ट का नियम प्रभावित होगा, तो वो दो प्रकार से प्रभावित हो सकता है। यानी ये वाली कंडीशन आती है तो विचलन किस प्रकार का होगा, धनात्मक का होगा। कैसा विचलन होगा, धनात्मक विचलन होगा। और जब ये वाली पोजीशन बनती है तो विचलन इसमें किस प्रकार का होगा, ऋणात्मक विचलन होगा, जिसको आगे चलकर अपन बड़े विस्तार से पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में कि धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है। तो इसके लिए आपको ये जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छी प्रकार से याद रखना है कि धनात्मक विचलन क्या है और ऋणात्मक विचलन क्या है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरी अपन विशेषता बता सकते हैं कि जो आपका शुद्ध अवयव को मिश्रित करने पर जो मिश्रण उसका प्राप्त हुआ है, यदि उसकी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो तो वो कौन सा विलयन कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। कि शुद्ध अवयव को मिश्रित करके मिश्रण बनाने पर यदि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो तो आदर्श विलयन होगा, यदि एंथैल्पी परिवर्तन होता है तो कैसा होगा, अनादर्श विलयन होगा। तो दूसरा क्या लिखेंगे कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके बने मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो, शून्य हो, अर्थात डेल्टा एच बराबर किसके मान के बराबर हो, डेल्टा एच का मान क्या हो, शून्य हो। यानी जो ऊष्मा आपने जो रसायन में ऊष्मा किस रूप में जाना जाता है, एंथैल्पी के रूप में जाना जाता है, तो उसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान यदि शून्य हो तब वो कौन से विलयन कहलाते हैं, आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है तब वो कौन से कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। दूसरा टॉपिक, यदि क्या कहेंगे, यदि एंथैल्पी परिवर्तन क्या नहीं हो, शून्य नहीं हो, परिवर्तन शून्य नहीं हो, अर्थात डेल्टा एच नोज इजकल टू शून्य, तब वो कौन से विलयन कहलाएंगे, आपके अनादर्श विलयन कहलाएंगे। यानी डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन शून्य है, आदर्श विलयन। दो एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं है तब वो कौन से कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया आदर्श और अनादर्श विलयन में। तीसरा अंतर कि मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य हो, क्या हो, मिश्रण बनाने में यदि अवयवों का मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य हो तब तो कहलाता है आदर्श विलयन, और आयतन परिवर्तन शून्य नहीं हो तब वो कौन सा कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। तीसरा टॉपिक, मिश्रण बनाने के लिए क्या कहोगे, मिश्रण बनाने के लिए अवयवों के मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य हो तो कौन से विलयन कहलाते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, अर्थात डेल्टा वी बराबर क्या हो, उसमें शून्य हो तो आदर्श विलयन। और इसमें क्या आ जाएगा कि मिश्रण बनाने के आयतन परिवर्तन शून्य नहीं हो, इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू शून्य, ये वाली स्थिति, मान शून्य नहीं हो। ठीक है, तो वो कौन से कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाएंगे। और जिसमें ये मान शून्य आ जाए वह कौन सा कहलाता है, आदर्श विलयन का कहलाता है। ठीक है, कर लिया नोट। चलो एक पॉइंट और आ गया, उसको और बता देता हूं, यहां मिटा के लिख रहा हूं।
चलो चौथा पॉइंट, इसमें आपका क्या है कि विलय विलय और विलायक विलायक, विलय विलय और विलायक विलायक के अणु का यदि आकर्षण बल विलय विलायक के आकर्षण बल के मान के बराबर है तब तो कहलाता है आदर्श विलयन, बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा वो, अनादर्श विलयन। तो क्या कहेंगे कि विलय विलय आकर्षण, विलय विलय आकर्षण और कौन सा विलायक विलायक आकर्षण, इन दोनों का मान बराबर हो किसके, विलय विलायक आकर्षण के, आकर्षण के, तब तो कौन सा कहलाता है ये आपका, आदर्श विलयन कहलाता है। यानी यूं समझो कि आपके विलय और विलायक जो कण है उसमें जैसे आपका विलायक है, विलायक के कणों में आकर्षण बल ए ए है, ठीक है, उसी प्रकार से विलय है तो उन विलय में आकर्षण बल क्या है, बी बी है। इन दोनों का मान किसके बराबर हो यदि वो ए बी, मतलब विलायक और विलय के आकर्षण बल के मान के बराबर हो तब तो विलयन कौन से कहलाते हैं, आदर्श विलयन। ठीक है, समझ में आ गई बात कि ए ए विलायक विलय का आकर्षण, विलय विलय के आकर्षण का मान यदि विलय विलायक आकर्षण बल के मान के बराबर हो तब तो कौन सा कहलाएगा आपका, कौन सा कहलाएगा, आदर्श विलयन। और जब ये मान बराबर नहीं है, जब ये मान बराबर नहीं है तब ये कौन सा कहलाएगा, तब ये आपका कहलाएगा अनादर्श विलयन। मतलब क्या कहें, विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण, ये मान बराबर नहीं है, ये मान बराबर नहीं है किसके, विलय विलायक के, विलय विलायक आकर्षण के, तब कौन से विलयन कहलाते हैं वो, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब कि ए ए और कौन सा बी बी बराबर नहीं है किसके, ए और ए और बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के, तब वो कौन से विलयन कहलाते हैं आपके, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये आपका है आदर्श विलयन और दूसरा वो आपका किसका है, अनादर्श विलयन का। ठीक है, तो ये था राउल्ट का नियम, उसके दो पार्ट्स किए, एक वाष्पशील विलय मिलाने पर क्या होता है और दूसरा अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या होता है, साथ में आदर्श और अनादर्श विलयन। तो ये दो दोनों चीजें आपकी मैंने बताई राउल्ट नियम की, वाष्पशील मिलाने पर और अवाष्पशील मिलाने पर, ये चीजें दोनों आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि अगला जो अपन इसका पार्ट करेंगे वो पार्ट इन्हीं दोनों बिंदु पर आधारित होगा। जब तक आप पीछे वाली चीज में क्लियर नहीं हो, इसमें आप कंफ्यूज हो, तो आगे वाली चीज को अच्छी प्रकार से आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा आपको कहना यह है कि इन दोनों चीजों को, राउल्ट्स नियम की जो बातें हैं उनको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। यदि फिर भी आपके किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो डाउट सेशन में डाल देना, वहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद।